मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम सबसे अवगत कराया गया है। इस मीडिया की रिपोर्ट, इस दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी जो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं। अचंभे की बात है, 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ पहली बात कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। आपको याद होगा जब विधानसभा के पटल पर ये बजट पारित करा गया तो तब माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी, बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, सैलरीज देना कर्मचारियों को, कर्मचारियों की पेंशन और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे, इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा, दे डिड नॉट मेक प्रोविजंस फॉर ओवर 7000 करोड़ रुपीस इन द बजट ऑफ दिल्ली। ये जानबूझ के करा गया क्योंकि दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं, इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग रखते हैं।